भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने NSEL और इंडिया बुल्स को दुनिया का सबसे बड़ा वित्तीय घोटाला करार दिया है। स्वामी का आरोप है कि इन दोनों कंपनियों में TDK और PC लाभार्थियों के रूप में शामिल है। NSEL की सहायक कंपनी GST में थी जब तक नमो मेरे आग्रह पर इसका राष्ट्रीयकरण नहीं किया था। सुब्रमण्यम स्वामी के इस बयान के बाद एक नई बहस छिड़ गई है। कांग्रेस पार्टी के UP प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि स्वामी विद्वान हैं, उनके पास जानकारियों का भंडार है, लेकिन शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं चाहते कि दुनिया के सबसे बड़े घोटाले का खुलासा हो। आपको बता दें, अगस्ता वेस्टलैंड मामले में सुब्रमण्यम स्वामी राज्यसभा में कांग्रेस के खिलाफ काफी आक्रामक रहे हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को अदालत तक लाने वाले सुब्रमण्यम स्वामी अपने सार्वजनिक जीवन में कई वजहों से चर्चा में रहे हैं। स्वामी को कानून का जानकार भी माना जाता है। चिदंबरम की 14 दिन की CBI हिरासत खत्म होने के बाद उन्हें गुरुवार को उच्च सुरक्षा वाले तिहाड़ जेल भेजा गया था। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कथित रूप से अपने बेटे कीर्ति चिदंबरम के कहने पर INX मीडिया को FIPB की मंजूरी दिलाने में कथित अनियमितता के कारण CBI और प्रवर्तन निदेशालय की जांच के घेरे में हैं। आपको बता दें, चिदंबरम और उनके बेटे का नाम INX मीडिया के सह संस्थापकों पीटर और इंद्राणी मुखर्जी ने लिया था। ये फिलहाल मुंबई में इंद्राणी की बेटी सीना बोड़ा की हत्या के मामले में जेल में बंद हैं।